इंडिया ने फाइनली अपना 8वां एशिया कप का खिताब जीत लिया है। इंडिया पहले भी एशिया कप में 7 बार चैंपियन रह चुकी है। 17 सितंबर के मैच को जीतने के बाद या फिर बहुत अच्छी तरह से जीतने के बाद इंडिया 8 बार एशिया कप में चैंपियन बन चुकी है। इंडिया को पहली जीत एशिया कप में 1984 ईस्वी में मिली थी, जो कि दुबई में खेला गया था, और ये मैच भी श्रीलंका के खिलाफ इंडिया जीती थी। और 8वां मुकाबला इंडिया ने 2023 में श्रीलंका को बहुत बुरी तरीके से हरा कर जीता। एशिया कप में इंडिया का बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को इतनी ज्यादा कड़ी शिकस्त दी, से भाई क्रिकेट फैंस तो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और उसके बाद भाई इंडिया ने श्रीलंका को 41 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली, और इन दोनों का मुकाबला हुआ 17 सितंबर को श्रीलंका में। भाई श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर के तीसरे गेंद में ही एक विकेट चटका, और उसके बाद भाई सिराज नाम का तूफान आया और धराधर भाई सिराज भाई ने श्रीलंका के पूरे टॉप ऑर्डर को बिखेर कर रख दिया। उन्होंने कुल 6 विकेट लिए 21 रन देकर के। उसके बाद हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने भाई पूरे श्रीलंका को 50 रन के एक छोटे से टारगेट पर समेट दिया। मतलब कि इस मैच में इंडियन बॉलरों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उसके बाद भाई जवाबी में ईशान किशन और शुभमन गिल ने बहुत ही आसानी से ये रन चेज कर लिया, और भाई इंडिया बन गई 8वीं बार चैंपियन एशिया कप में। ये जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।